chairman, sir. From July 13, 14, 2023, Honorable PM visited France at the invitation of the president. He was the guest of honor at the Bastille Day Parade. तो देखिए राज्यसभा की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं। एक तरफ जहां मोदी मोदी के भी नारे लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इंडिया के यानी अपने गठबंधन के नारे लगा रहे हैं। आमोद, आपसे जवाब नहीं ले पाए थे क्योंकि लगातार हम कार्यवाही भी दिखा रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जरा बताइए कि आखिर विपक्षी पार्टियां जब ये समझ गई हैं कि उनके विश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है, अब समय तारीख जल्दी तय भी हो जाएगी चर्चा के लिए, उसके बावजूद ये अप्रोच क्यों है ऑपोजिशन का? देखिए, अपोजिशन पार्टियां निश्चित तौर पे ये दिखाना चाहती हैं कि वो किसी भी सूरत में सरकार के उस बात को नहीं स्वीकारेंगे जिसमें प्रधानमंत्री को बयान देने की बात नहीं मान रही है सरकार और एनडीए अलायंस। लेकिन आप दूसरी तरफ इसको एक और तौर पे देख सकते हैं, एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से मोदी बनाम इंडिया। वो राज्यसभा में अभी आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के और एनडीए के तमाम सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और विपक्ष के सांसद सारे इंडिया के नारे लगा रहे हैं। तो जो एक इंडिया बनाम मोदी 2024 को बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है 2024 चुनाव को, उसके तहत एक नैरेटिव यही लोकसभा से आप देख सकती हैं सीधा सीधा निकालने की कोशिश किया जा रहा है कि विपक्षी दल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनसे मोदी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। ये और दूसरी बनाने की कोशिश विपक्षी दल हमारे साथ पंकज झा भी मौजूद हैं। पंकज, लेकिन जो कुछ अभी राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान नजर आया वो अपने आप में खासा दिलचस्प भी था और इससे पहले ऐसा कभी नजर भी नहीं आया। एनडीए वर्सेज इंडिया की टक्कर हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, लेकिन राज्यसभा में देश के उच्च सदन में सीधे सीधे इंडिया वर्सेज मोदी की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए समीर, पिछले 4 सालों में मोदी पार्ट 2 में कभी आपने विपक्ष की ऐसी एकजुटता देखी होगी? शायद नहीं देखी होगी। और मणिपुर पिछले 2.5-3 महीने से अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और संसद में इस पर बहस नहीं होगी तो फिर किस फोरम पे बहस होगी? विपक्ष ये बताना चाह रहा है और दिखलाना चाह रहा है और विपक्षी एकजुटता के साथ साथ कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार कैसे भाग रही है, कैसे वहाँ जो हिंसा हुई उस पर जवाब देने से बच रही है, उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा तो मजबूरी में लाना पड़ा है। और वो सबसे पहले अगर बहस से आती है तो मणिपुर पर, और इसमें दो चीजें दिख रही हैं, विपक्षी एकजुटता दिख रही है। जैसा मैंने कहा भी, सोनिया गांधी का संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनसे मिलना, अखिलेश यादव का लखनऊ से आकर के संजय सिंह के साथ मिलना, ये सब कभी किसी ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद एक साथ नजर आएंगे काले कपड़े में? सभी दोनों सदनों में आज इसी तरीके से हंगामा जारी है। बिल्कुल, विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है पंकज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और सदन के भीतर भी विपक्षी पार्टियां इसी तरीके से सरकार का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। लौटेंगे आप दोनों के पास। देखिए, मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष विकसित भारत नहीं चाहता है। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या चाहते हैं वो?